हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो अभी दोपहर के 1 बजने को आए, मीन 12:30 बजने को आए हैं, हमारे घड़ी आधा घंटा आगे है। तो अभी खाने की जो तैयारियां करने वाली, मैं बहुत ज़्यादा लेट उठ रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा। और ऐसे सोचते ना कि यार क्या करना है क्या नहीं करना है, मतलब ऐसा लगता है कि हम कब वो पहले वाले रूटीन में जो है कब आएंगे, ऐसा लग रहा है। बट हमारे पास कोई अभी यही नहीं कि हम घर बैठ के ही मतलब जो भी कुछ हमारा रूटीन है उसमें चेंज करें। मोस्टली मैंने देखा है बहुत सारे घर में सभी लोग जो है वो लेट ही उठ रहे हैं। और अभी क्या करें, मतलब ऐसे सोच रहे हैं कि सुबह जल्दी उठ के करना क्या है, एग्जैक्टली करना क्या है वो आ रहे थे। तो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले तवा पुलाव की रेसिपी देखी, और मेरे पास कल रात का राइस है, और मैंने अभी भी थोड़ा सा एक राइस जो है पकाया है, और लस्सी भी बनाने वाली हूँ। तो चलिए, मैं तो बहुत सालों के बाद जो है तवा पुलाव बनाने वाली हूँ। कुछ इंग्रेडिएंट्स नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि अभी मैं जाके वो ला सकती हूँ, जैसे कि मटर नहीं है। तो जो भी कुछ मेरे पास इंग्रेडिएंट्स है उसमें से ही अभी हम तवा पुलाव जो है वो बनाने वाले। मटर अगर होते तो बहुत अच्छे लगती। तो चलिए बनाते हैं। कल रात का भी बचा हुआ था, और अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने पकाया है। सो ये बासमती राइस है, जैसे कि थोड़ा सा ये ओवर कुक हो गया है पानी। बासमती राइस को आपको थोड़ा सा ही पानी डालना पड़ता है, ज़्यादा नहीं डालना पड़ता है। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो अभी मुझे जो चाहिए मैंने कट कर लिया है। प्याज है, हरी मिर्च, धनिया, शिमला मिर्च, अदरक, और इसमें आप कैरेट भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद फ्लावर, मटर, बीन्स, मतलब जैसे कि अवेलेबिलिटी होगी वैसे आप डाल सकते हैं, और टमाटर भी डाल सकते हैं। बट अभी हमारे पास टमाटर नहीं है, तो मैं इस वजह से टमाटर का जो सॉस है वो थोड़ा सा ऐड करूँगी। और चलिए, और ये देखिए हमारा चावल भी अभी खिल चुका है, मतलब ज़्यादा पानी पानी नहीं लग रहा है। बर्थडे का जो व्लॉग है बच्चों का, वो अभी तक मैंने एडिटिंग नहीं किया है, तो मुझे अभी एडिटिंग करना है उसको भी, और उसको भी पब्लिश करना है।
और घर के अभी तो काम रह चुके हैं, जैसे कि मैं दोपहर को जो है बर्तन जो है एक तो कभी कभार नितेश क्लीन करते या अदरवाइज मैं क्लीन कर लेती हूँ। आज टॉयलेट बाथरूम क्लीन करना है और कर देगा ना, हाँ वॉश बेसिन, बहुत ही मैं वॉश बेसिन क्लीन नहीं किया, वो भी क्लीन करना है और फ्रिज भी क्लीन करना है। अगर फ्रिज ऑप्शनली रखूँगी आज, नहीं तो कल फ्रिज क्लीन करूँगी। तवा पुलाव का मैं बताऊँ, बचपन में ना हमारे यहाँ पे ना पाव भाजी का एक ही ठेला था हमारे गांव में, दूसरा था बट वो इतना कुछ खास नहीं लगती थी उसकी पाव भाजी, बट जो पहला वाला जो था वो इतना, मतलब उनकी जो पाव भाजी थी ना इतनी यम्मी वाली लगती थी और इतनी ज़्यादा भीड़ हुआ करी थी, मतलब वो जो ठेला था रास्ते पे था, कभी कभार मैं आपको दिखाऊंगी। और शाम को जो है वो स्टार्ट होता है, बैंक है, बैंक के बाहर ही वो ठेला लगाते हैं और वहीं पे बैठने के लिए जगह होती है। और इसमें वहाँ पे ना सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको पापड़ मिलता है और फिर उसके बाद पाव भाजी मिलती है। बचपन में जब मैं खाती थी तो बहुत टेस्टी थी, बाद में उसकी जो टेस्ट है थोड़ी सी क्वालिटी जो है वो लो हो गई थी, बट हम मतलब तरस रहे थे वो पाव भाजी खाने के लिए इतना, क्योंकि उस टाइम मतलब पाव भाजी किसको भी नहीं बनाना आता था। और मेरी मम्मी ने और मेरी मासी की बेटी, इन दोनों ने सातारा में जहाँ पे उन्होंने क्लास किया, सातारा या कराड में कोई तो कुकिंग का जो है वो क्लास किया था, तब मम्मी जो है घर पे पाव भाजी बनाने लगी। और अगर आप घर पे पाव भाजी बनाते हो ना तो आपको बाहर की जो पाव भाजी है इसकी बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगी। मतलब हमारे यहाँ पे जितने भी मैंने खाई वन नितेश ने भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़्यादा रहता है पाव भाजी में। और अगर आप पाव भाजी के शॉप में अगर थोड़ा सा लेट जाओ, मतलब जैसे कि उनकी बंद होने का टाइम आता है ना, तो और ज़्यादा पानी ऐड कर देते हैं सब चीज़ें, मतलब मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम पाव भाजी जो है घर पे बनाते हैं। और वहाँ पे पाव भाजी के साथ साथ अगर आपको तवा पुलाव अगर लेना होता है ना, तो उसके रेट अलग होते थे। पापड़ जो होता था ना लिज्जत का, उस टाइम इतनी यम्मी वाला लगता था, अभी के जो लिज्जत के जो पापड़ है उसकी टेस्ट ही थोड़ी सी अलग लग रही है। तो अभी मैं डालने वाली हूँ लाल मिर्च, जो कि कोल्हापुरी लाल मिर्च है जो कि मैं घर पे बनाती हूँ, अभी तो ख़त्म होने को आई, इतनी रह गई है। फिर उसके बाद ये पाव भाजी मसाला, ओह शिट, आपके हिसाब से डालिएगा, ये थोड़ा सा स्पाइसी होता है। और इसमें है कसूरी मेथी, थोड़ी सी हम ऐड करेंगे। स्वाद जो है बहुत अच्छा आता है जब आप कसूरी मेथी ऐड करते हो ना। देन उसके बाद धनिया, थोड़ा सा हम सॉस ऐड करते हैं, थोड़ा सा मुझे और ऐड करना पड़ेगा पाव भाजी मसाला। फिर उसके बाद हम सारा राइस इसमें ऐड करेंगे। तो वहाँ पे हमारा तवा पुलाव जो है बन रहा है, तब तक मैंने अभी जो मलाई थी वो मिक्सर में जो है वो ग्राइंड कर लिया है, लस्सी बना रही हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने 2 मिनट घर का बना हुआ दही जो है वो मैंने लिया है और इसमें मैं ठंडा पानी जो है वह ऐड करूँगी, चाहे तो इसमें आप बर्फ़ भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद शुगर, क्रश शुगर जो होती है ना, वो मैं अभी ऐड करूँगी और उसको भी आपको कुछ इस तरीके से करना है। अगर आप चाहें तो और थोड़ा सा अगर डालना चाहते तो आप डाल भी सकते हो, शुगर अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा।
पानी भी ऐड करती हूँ थोड़ा सा। और इसमें ये देखिए मलाई जो है, 2 मिनट तो लस्सी जो हमारी रेडी है, तो मलाई जो है ऐसे ऊपर जो है मैं डालती हूँ। मेरे को मलाई जो है ऊपर बहुत पसंद है। चलिए टेरेस पे जाते हैं कपड़े सुखाने के लिए। मुझे ऐसा लगता है बहुत दिनों के बाद आप सभी मेरे टेरेस पे आ रहे हैं। मैं भी मुझे याद नहीं आ रहा है। हाय हाय गर्मी, ये सुनसान रास्ते कब तक रहेंगे यार, कब तक। मैं आपको रोज़ दिखाती हूँ, देखिए वाह इतना प्यारा सा आया है। वहाँ पे भी फूल आने वाले हैं। To you, Swami Sri, Swami Sri and Ganeshri. Aha, हाथ धुत लेते का? देखिए इन्होंने तरबूज कट करके रख दिया, वैसे ही रख दिया। सो इन्होंने आज जो स्लाइसेस है थोड़े से बड़े बड़े कटे हैं। चलिए आ जाइए हमारे यहाँ पे तरबूज खाने के लिए। ओके सो पापा को जो है वो कल हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है और मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन आ रही है। मतलब पहले ऐसा होता था कि मैं बोलती थी मेरी मम्मी और पापा को कि आप हॉस्पिटल में जाइएगा जाइएगा, क्योंकि 40 के बाद ऑफ कोर्स आपके बॉडी में बहुत कुछ चेंज हो जाता है, हर एक चीज़ चेंज हो जाती है। तो हमेशा मतलब मेरे मम्मी पापा को तो जाना ही पड़ता है। जैसे कि मेरे पापा को डायबिटीज़ है, तो पापा की शुगर जो है वो बढ़ गई है और मेरे को इतना डर लग रहा है। मैं तो कह रही थी कि पापा मतलब डर संभाल के जाइएगा, क्योंकि डर लगा रहता है ना। और पापा को पेट में भी पेन हो रहा है, तो
कुछ टेस्ट जो है वो करवानी है। एंड थैंक गॉड कि अभी हमारे घर में जैसे कि कोरोना के जो सिम्टम जैसे कि लाइक ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि सर्दी नहीं, किसी को खांसी नहीं, बुखार नहीं है। तो क्योंकि ना डर लगता है, अभी पहले मैं आपको बता दूँ, सर्दी खांसी जो होती थी ना मेरे को 10-10, 15-15 दिन हुआ करती थी, बट इतना टेंशन नहीं होता था। बट अभी के टाइम में मतलब इतना ज़्यादा टेंशन, मच्छर यार यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा, मतलब अभी टेंशन आने लगती है क्योंकि सर्दी ना हो, खांसी ना हो जाए, और मतलब ये हो ही ना ऐसा ही लग रहा है। मतलब मैं पहले ही सर्दी खांसी होती थी ना, मैं दवाइयाँ भी नहीं लेती थी, 15-15 दिन मेरे को रखता था क्योंकि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं दवाई लेना। और हम इसको नॉर्मली समझते थे, यार क्या सर्दी तो हुई है, खांसी तो हो रही है, फीवर, मतलब फीवर तो मुझे बहुत कम ऐसा टचूर ऐसा कभी होता नहीं, ज़्यादा बहुत रेयर मुझे होता है। और अभी के टाइम बहुत ज़्यादा टेंशन का पीरियड चल रहा है, और ऐसे में पापा को कल हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है टेस्ट के लिए। हाँ, मैंने पापा को बोला जल्दी से जाइएगा, और मैंने उनको बोला कि आप मतलब नहा के बच जाइएगा, अब जब आओगे तो नहा लीजिएगा और पूरा अच्छी तरीके से कवर अप होके जाइएगा, पापा को मैंने बोला है, और वो जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाए। मतलब कल मुझे लगता है उनके रिपोर्ट्स भी जल्दी आने वाले हैं पापा के। बस यही चल रहा है यार। क्या अभी अभी हम कपिल शर्मा का जो है शो देख रहे, क्योंकि आज सैटरडे है तो बैक टू बैक, जैसे कि कलर्स टीवी पे भी कपिल शर्मा का शो आ रहा है, फिर उसके बाद सोनी पे तो है ही, बट कलर्स पे जो पुराने शो शो थे वो भी स्टार्ट कर दिए उन्होंने। मेरा ना थोड़ा सा दिमाग नहीं चल रहा है यार, मतलब पापा को कल हॉस्पिटल में जाना है ना। सो चलिए इस व्लॉग को जो हम एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और प्लीज़ आप अपने कमेंट सेक्शन, मेरे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप क्या क्या मतलब रेसिपी जो है वो ट्राई कर रहे हैं, सो बता दीजिएगा। एंड बाय।